हाय, मैं सौरभ जैन, SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से। आज जो हम आपके लिए दो स्टॉक आइडियाज़ लेके आए हैं वो है टॉरेंट पावर और पेट्रोनेट LNG। पहले टॉरेंट पावर की बात कर लेते हैं। टॉरेंट पावर जो कंपनी है वो टाटा टॉरेंट ग्रुप समूह की एक कंपनी है। कंपनी का जो मेजर कारोबार है वो बिजली में है, जिसमें वो तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन और पावर जनरेशन के कारोबार में है। कंपनी की जो क्षमता है वो तकरीबन 3,334 मेगावाट की है, जिसमें रिन्यूएबल और कोल बेस्ड पावर प्लांट है। जो तकरीबन 334 मेगावाट की कंपनी की रिन्यूएबल क्षमता अभी अंडर प्रोसेस है, जो आने के बाद कंपनी की क्षमता और बढ़ जाएगी। पिछले तिमाही में देखा हमने कि जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स की ग्रोथ थी वो तकरीबन 129% की हुई। लार्जली वो क्यों हुई, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। मेजर कारण जो रहे वो ये रहे कि इंटरेस्ट रेट का नीचे घटना, जिसकी वजह से कंपनी का जो लोन बुक है उसमें जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो नीचे आया, AT&C लॉसेस कंपनी के कम हो गए, और कंपनी ने काफ़ी कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली, मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिला। दूसरी जो कंपनी की हम बात करेंगे वो है पेट्रोनेट LNG। जैसे कि हमने देखा कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो आय थी वो तकरीबन 17% से बढ़ी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें 28% की ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि मार्जिन में 60 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी का जो दहेज का टर्मिनल है वहाँ पर जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरह वहाँ पर प्रोग्रेस कंपनी को देखने को मिली, क्योंकि लास्ट ईयर जो एक्सपेंशन हुआ था वो स्ट्रीमलाइन हुआ Q2 में, और जो कंपनी का यूटिलाइजेशन रेट था वो तकरीबन 110% का आया, जो कि पिछले के साल के बिजनेस काफ़ी अच्छा आया, क्योंकि सडनली पावर जो डिमांड थी उसमें स्पाइक देखने को मिला। और भी दहेज जो टर्मिनल है उसकी 2.5 MMT से तकरीबन कैपेसिटी बढ़ने का भी अनुमान है, जो कि पूरी जो प्रोग्रेस है हो रही है, और जो कि लग रहा है कि मार्च 2019 तक कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट का भी काफ़ी फोकस एरिया है कि जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसमें 10% की घटौती की जाए और LNG का जो यूज़ है वो बढ़े, जिसकी वजह से कंपनी एक अच्छा प्रॉक्सी है इस सेक्टर के लिए। तो दोनों ही स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, smctradeonline.com। वहाँ पर आप रिसर्च सेक्शन में जाकर हमारा वीकली न्यूज़लेटर और वहाँ पर इन दोनों कंपनीज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।